है उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़ के दो तीन बार गए फिर आए अपने सर। उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है तो हम तो बाहर हैं, हलचल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ, अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता, पूछ लेंगे। स्वस्थ हो जाएंगे आएंगे तो पूछेंगे भी क्या मामला है। हमारी पार्टी ही दो बार तीन बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? कौन मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है, इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर के आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया, इसका कोई मतलब है क्या? भाई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है, और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहां तक उचित है? और वह भी हमने देखा जब हम यहां आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं, यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। ऐसी कोई बात इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही दो बार तीन बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना है? देखिए तय करने वाले कौन मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है, इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है सर? कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे? भैया नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं, मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना हमको, आवश्यकता होगी तो एक मिनट में बात कर लेंगे। जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर, कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी फिर नहीं हुआ क्या? एक बार फिर से पार्टी के जिंदा करने की संभावना है क्या? देखिए खा मखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं, जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए इसको? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है? अरे भैया कमजोरी दिख रही है कैसे ही, सब लोग एक एक व्यक्ति हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे।
अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा, 100% होगा, 100% होगा। दो तारीख को कार्यक्रम, नहीं आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है। दो तारीख को कार्यक्रम है सर आपका, महात्मा फूले समता परिषद। हम महात्मा फूले समता परिषद की ओर से भी पूरे बिहार में तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, हो रही हैं। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे हर जिला में कार्यक्रम करना है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ महात्मा फूले समता परिषद के संगठन को भी नीचे गांव-गांव तक फैलाने का काम करना है, मजबूत करने का काम है, जिसके लिए समता परिषद के सभी लोग लगे हुए हैं। ये एक सामाजिक संगठन है। बीजेपी तो कह रही है कि आपका स्वागत करेंगे, अगर आइएगा तो बीजेपी तो कह रही है कि स्वागत करेंगे, आइए। अरे आप लोग तो गजब करते हैं, बीजेपी स्वागत करेगी का क्या मतलब है? जनता दल यूनाइटेड किसी आदमी को बीजेपी स्वागत करेगी आइए, इसका क्या अर्थ है? इसका तो कोई अर्थ नहीं है। महात्मा फूले जो आपका संगठन है उसको आप जिंदा कर रहे हैं, दो बड़ा देखिए, महात्मा फूले समता परिषद संगठन को जिंदा करने की बात नहीं है, यह संगठन तो ऑलरेडी अलाइव है, जिंदा है। और इस संगठन से सामाजिक संगठन है, यह कोई राजनीतिक मकसद इसका नहीं है। सामाजिक संगठन से कार्यक्रम तो अलग अलग पार्टियों में दूसरे दल के लोग भी करते रहे, और हम इस पार्टी में आज कोई पहली बार थोड़े कर रहे हैं। आप लोग भी एक बार जरा सा हमको लगता है बड़ा अच्छा होगा। टेस्ट कर लीजिए, आ रहे हैं 22 फरवरी को बिहार पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े नेता हैं वो बिहार, ये हर पार्टी को कोई कार्यक्रम करने का अधिकार, उसे क्या मतलब? सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करते रहती है, कोई खास बात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी की करीबी बढ़ रही है सबने बीजेपी से, उपेंद्र कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया, वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर, तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर है, हलचल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है, हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता, पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आएंगे तो पूछेंगे भी क्या मामला है। सर, गया जी को आपने रबर डैम दिया और दवा के रूप में लेमन दिया है, स्वास्थ्य के रूप में ये नीरा दिया है, लेकिन सर हमारी शिक्षा व्यवस्था मगध यूनिवर्सिटी कब सुधरेगी? हाँ, सुधारने के लिए तो कोशिश कर ही रहे हैं, काफी स्थिति गंभीर है सर, लाखों युवा यहाँ पर कॉलेज वाला और यूनिवर्सिटी वाला, वो स्थिति ठीक नहीं है। वो हमने कहा है, डिपार्टमेंट भी देख रहा है और गवर्नर साहब को भी कहा जा रहा है कि सब जगह देख लीजिए और तेजी से सब काम। हमारे गया जिला की शिक्षा देखिए सर, नहीं हम जान ही रहे हैं, भला बताइए। अरे गया, आप सुन, अरे उनका पीछे का है, छोड़ देना सर, ज्ञान की धरती पर। अरे का है भाग रहे हो गया, हम लोग भाग नहीं रहे। अरे आवा इधर आवा, दीपेश जी इधर आवा। ज्ञान की धरती पर ज्ञान की कमी है सर, आपको पता नहीं है कि गया से मेरा क्या लगाव है सर, आप जरा बताइए। जी सर, बचपन से मैं, ये सब ऐतिहासिक चीज है ना जी, तो अगर यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं करता तो अच्छा लगता है हमको। हम लोग तो इसके लिए जो जरूरी चीज है कहते रहते हैं और हम फिर देखेंगे भी। सर इसे गंभीरता से देखिए, बहुत गंभीर। हाँ, सही कह रहे हैं सर, ये ठीक नहीं है, पढ़ाई का नहीं होगा, बताइए हमको तो विकसित तक करना है जी। इतना अच्छा है, सेशन का है लेट, क्या हो रहा है? हम तो जाके पूछताछ करेंगे सर, शिक्षक समय पर विद्यालय भी नहीं जाते हैं सर। नहीं, वो उसको तो और हम मदद कर रहे हैं ना, उसको तो और हम मदद करने के लिए हमने कह दिया है। डीएम ने तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत कराया तो उसमें नालंदा का था, कितना अच्छा बनवाया था। ताज यहाँ का हम डीएम है, वो तो भी सब एक एक चीज को देखेंगे। नहीं नहीं, एक एक चीज को देखेंगे। हाँ भाई, तो उत्पादनवा का टाइम आएगा, वो तो उस समय अप्रैल में सबसे ज्यादा होता है, तो उसी समय ये और चीज को कर रहे हैं, प्रेरित करेंगे। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।